अब एक और प्रॉब्लम हो चुकी है, वो प्रॉब्लम ये है कि आज मोदी साहब आए हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी में, और उसकी वजह से बहुत सारे अट्रैक्शन जो है, मतलब कि ऑलमोस्ट सभी अट्रैक्शन जो है वो बंद है। दोस्तों अभी टाइम हुआ है 12:22, मतलब कि दोपहर के 12:30 बजे है, और मैं तो 10:30 बजे से उतर गया था, लेकिन अभी नम्रता और वो सब लोग अभी मेरे साथ अभी ज्वाइन हो चुके हैं, वो लोग कार से, और अभी हम यहाँ पे आए हैं पेट पूजा करने के लिए महाराजा रेस्टोरेंट पे। अब एक और प्रॉब्लम हो चुकी है, वो प्रॉब्लम ये है कि आज मोदी साहब आए हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी में, और उसकी वजह से बहुत सारे अट्रैक्शन जो है, मतलब कि ऑलमोस्ट सभी अट्रैक्शन जो है वो बंद है, तो कवर करना बहुत डिफ़िकल्ट है आज के दिन में। सो देखते हैं कि और क्या कोई ऑप्शन हमें मिल पाता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं आजू बाजू में, लेकिन वहाँ पे जाके देखते हैं कि और क्या मिल पाता है, और कल फिर हम शुरुआत करेंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी को देखने की। तो ये ऐसे ही कुछ प्लान करना पड़ेगा। सो अभी खाना आ चुका है, और हमारे पास है बैंगन का भरता और चीज़ बटर मसाला और रोटी, इसको अभी खाएंगे। बहुत ज़्यादा जोरों से भूख लगी है। आज बलराम जो रिव्यू देगा फूड का वो फाइनल होगा, क्योंकि अभी हमने स्पेशल फूड ब्लॉगर लिया है हमारे साथ फूड को टेस्ट करने के लिए। आप लोगों की डिमांड थी ना कि भाई फूड का एकदम टेस्टिंग हो, तो हमने स्पेशल फूड ब्लॉगर लिया है। मैंने खाना ले लिया, अभी लेट्स सी बलराम में क्या कहना है। लुक्स गुड, स्मेल्स गुड टू, देखते हैं टेस्ट करके। चीज बटर मसाला। बहुत ही अलग है ये नॉर्मल अलग रेस्टोरेंट से। अलग मतलब कैसे, मतलब टेस्ट में अलग है? टेस्ट में अलग है, इनका प्रॉपर देसी स्टाइल करी है विद चीज। अभी बैंगन का भरता ट्राई करते हैं। नॉर्मल अपने अब हम ट्राई करेंगे बैंगन का भरता। एक चम्मच दही और एक बस बस खाने वाले से अच्छा ये बहुत होता है। अधिक इसमें थोड़ा नमक कम है। और ये हमारे ऑनियन ब्लॉगर है। ऑनियन रिव्यू है, ऑनियन कैसे है वो, मतलब दिखे हैं नहीं दिखे हैं, ऑनियन को टेस्ट करके बता दे। तो भाई साहब अभी क्या थके थे ड्राइव करके, ड्राइव तो इतना ज़्यादा किया नहीं, लेकिन दोपहर का टाइम था, गर्मी बहुत थी, और फिर हम जाने निकले पोचा फ्रॉम स्टैचू ऑफ यूनिटी। जैसे आपको मैंने बताया स्टैचू ऑफ यूनिटी बंद था, और हम पोचा निकले स्वामीनारायण धाम दर्शन करने के लिए, लेकिन वो मंदिर मतलब दिखाने जैसा, लेकिन जो गर्मी थी ऐसा हुआ कि नहीं इतनी गर्मी में तो नहीं कुछ एक्सप्लोर कर सकते। तो हमने सोचा कि चलो थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। सो अभी हमने एक होटल फाइंड किया इन बिटवीन स्टैचू ऑफ यूनिटी टू पोचा के बीच के
हाईवे पे एक होटल है जो हमने फाइंड आउट किया, और अभी वहाँ पे रुके, अभी जस्ट सो के उठे हैं। टाइम हुआ है 5:30 बजे का, और अभी का प्लान है फिर से पोचा जाने का और कवर करने का, क्योंकि तो इवनिंग के टाइम पे वो बहुत ही प्यारा लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। लोकेशन पोइचा, जहाँ पे हम सुबह में भी आए थे और अभी फिर से हम आ चुके हैं यहाँ पे। आप इसका जो शॉट है वो आप ओ, क्या रौनक है, क्या रौनक है पोइचा मंदिर की। ओहो, मतलब लाइक देख के इतना प्यारा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। सो अभी फाइनली हम पहुंच चुके हैं पोइचा, और यहाँ पे जो रात का जो नज़ारा है वो हमने एक्सपेक्ट किया था कि थोड़ा बहुत अच्छा होगा, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और बहुत ही प्यारा लग रहा है। लेट्स गो देयर एंड सी कि कितना कुछ है यहाँ पे ऑफर करने के लिए। तो आपको पूरा इन्फॉर्मेशन देते हैं पोइचा के बारे में, सो इसको पूरा एंड तक देखो एंड लेट्स मीट इनसाइड द टेंपल। तो ये पूरा जो है वो पोइचा जो टेंपल है, वो टेंपल यहाँ से आपको दिख रहा होगा, लेकिन ये जो है वो पोइचा टेंपल का गेट है। हम गेट के अंदर जाएंगे। कुछ कमल है और ये हाथी, और बहुत ही अच्छी तरीके से दिख रहा है। अरे आप, मतलब ये टेंपल का नज़ारा तो मतलब लाइक यार देखते ही रह जाए ऐसा है। बिल्कुल इतनी सारी लाइट्स है लेकिन थोड़ी भी आंखों में नहीं लग रही है। और पूरा जो टेंपल है, ये पूरा जो गार्डन है, आप देख सकते हो कितना प्यारा गार्डन बना हुआ है। गार्डन के अंदर मोर है, राधा कृष्ण है, मोर है, बहुत सारी अच्छी अच्छी इमेजेस है। और यार ये टेंपल देखो यार, कितना प्यारा टेंपल है। लाइक है, इसको बोल सकते हैं कि ये एक मार्वल है जो बनाया हुआ है।
यहाँ पर है गेट जहाँ से मंदिर में आप एंटर कर दो कर दो आप भले ही करते हो दीदी कहीं आप ये है नीलकंठ सरोवर जो कोयचा के अंदर है और ये यहाँ पे ब्रिज टाइप का बनाया है और ये पूरा जो है वो है मेन टेंपल। मेन टेंपल यहाँ पे है, अब ये पूरा मेन टेंपल है और लाइक ये तो आज का थंबनेल हो जाएगा, बहुत ही प्यारा दिख रहा है। चलो पानीपुरी का मज़ा लिया जाएगा। ये तो सबसे पहले हम ट्राई करने वाले हैं पानीपुरी को, अलग अलग टाइप की पानीपुरी और गरम है मसाला। ये पूरी चीज़ अच्छी नहीं लग सकती है भैया। अब आप वो अपने खाई हुई है पूरी ठीक ठाक है, लेकिन पूरी ठीक ठाक है, लेकिन आपको जो ये पानी है वो बहुत अच्छा है। तो अभी हम डोसा ट्राई करेंगे सबसे पहले। आंटी ने भी ले ली। साउथ इंडियन ये डोसा जो है वो फिनिश कर दिया गया है और अभी हमारे पास नया आइटम आ गया है, वो है पाव भाजी। तो हम पाव भाजी को टेस्ट करेंगे और देखते हैं कि कैसी लगती है। अब सीधा खाना खाते ही मिल जाए। तो अभी ब्लॉग को एंड करने का टाइम आ गया है क्योंकि अभी हम होटल जाकर सोने ही वाले हैं। तो लेट्स जस्ट एंड द ब्लॉग ओवर हियर एंड टिल दैट टाइम टाटा बाय बाय सी या एंड हैव अ ब्लेस्ड डे। गुड नाइट।